सेम चीज रिपीट होगी इसमें देना, कर लेते हैं रिवाइज भी हो जाएगा आपका। तो 1/1 - 10x का करना है, लेकिन इसको समझाने में ज्यादा मुझे टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब आप समझ चुके हो कैसे होगा। 10x को हम लिख सकते हैं sin x / cos x dx, ठीक है। 1/1 - sin x / cos x है, तो यहां पे cos x ले लो एलसीएम, cos x ले लिया एलसीएम, ये इधर गया और ये इधर है, cos x माइनस साइन x आएगा। अब cos x न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, अब देखो, अब थोड़ा माइंड में इसमें भी वैसी करो जैसे पिछला क्वेश्चन सोचा था कि अगर मैं cos माइनस साइन को अगर t लेता हूं तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे दो टर्म आएंगे, लेकिन ऊपर तो एक ही टर्म है, इसलिए इसमें हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 cos x आ जाएगा और यहाँ पे cos x माइनस साइन x, इसमें भी वैसे ही करो दो पार्ट में डिवाइड कर लो, तो cos x को हमने दो बार लिख लिया, cos x प्लस cos x, एक बार हमने साइन x को ऐड कर लिया और एक बार हमने साइन x को सब्सट्रैक्ट कर लिया, और ये दो टर्म हमने ऐसे बना दिए अपॉन में cos x माइनस का साइन x, और ये है dx। चेक करो ये वाला स्टेप, ठीक है, क्या हुआ, 2 cos x को मैंने लिख दिया cos x, एक बार प्लस का साइन एक्स, एक बार माइनस का साइन एक्स, और नीचे क्या है cos माइनस साइन। अब आप कर दो सेपरेट डिवाइड, यानी इसमें भी डिवाइड और ये इसमें भी डिवाइड, तो क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट cos x प्लस साइन एक्स में, इस वाले टर्म में से डिवाइड कर दो, यानी cos x माइनस साइन एक्स, प्लस इसमें भी इससे डिवाइड कर दो, यानी cos x माइनस साइन एक्स में भी डिवाइड कर लो cos x माइनस साइन एक्स से, तो 1/2 cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x, और ये सेम चीज लिखी कट जाएगी ना, तो 1 हो गया। अब इतना आप नोट कर लो, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इतना नोट करो, समझ में आ गया हो ना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, अगर आपको लास्ट क्वेश्चन समझ में आए तो ये भी आपको आ ही जाएगा। अब जैसे ही आप अलग अलग करोगे ना, तो 1/2 तो बाहर है ब्रैकेट, एक तुम्हारे लिए है cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x dx, एक तो ये इंटीग्रेशन मैंने अलग कर दिया, और एक आएगा 1 का इंटीग्रेशन, तो उसका लिख देता हूँ मैं x होगा, और एक बाहर प्लस का c लगा दो। अब तुम्हारे लिए काम है इसको सॉल्व करने का, तो इसमें नीचे वाले को t ले लो, तो cos x माइनस साइन x को अगर आपने t लिया तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, और साइन का होता है cos dt/dx, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा dt/dx, तो फाइनली dx के लिए क्या आ जाएगी dt/-sin x + cos x, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन, ऊपर क्या है cos x प्लस साइन x इंटू dx की वैल्यू कितनी है, ये dt/-sin x + cos x, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो तो हमने t ले रखा है, तो नीचे t आएगा, और ये एक प्लस का x अलग से है, ये प्लस का x अलग से है और प्लस का c है। चेक करो ये वाला स्टेप, तो इसमें ये वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ इसका है, ठीक है, तो ब्रैकेट हमें एक, हमने जो बड़ा ब्रैकेट लगाया है, हाँ ठीक है, ब्रैकेट हमने सही लगाया है, हाँ अगर हम इधर ब्रैकेट लगाते तो दिक्कत होती, ये ब्रैकेट तो बड़ा है, मतलब बाहर 1/2 के लिए है, और ये इंटीग्रेशन सिर्फ इसका ही है, ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन नहीं करना है। तो अब इसके बाद क्या आएगा, देखो ये जो माइनस है उसको बाहर, इस इंटीग्रेशन के बाहर करना बस, ठीक है, 1/2 ब्रैकेट में इधर बाहर बस, ठीक है, और dt/t, और एक प्लस का x है प्लस का c, तो 1/2 ये हो जाएगा log mod में t प्लस का x प्लस का c, 1/2 माइनस का log mod में हम लिख देंगे t, हमने किसको लिया था cos माइनस साइन को, तो cos x माइनस का sin x, और ये प्लस का x c,
तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस देख लेते हैं, ये कौन सा था, 33 था ना, 33 में आंसर आ रहा है एक्स बाई टू। देखो ये 1/2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बाई टू आ जाएगा, और ये माइनस का 1/2 लॉग 33 ना, हाँ एक्स बाई टू माइनस का 1/2 लॉग कॉस माइनस साइन। ठीक है, सेम है, बस आप 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। क्लियर है, नोट करो इसको, अच्छा क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन अच्छे थे, आपने नोटिस भी किया।